नेपाल की राजधानी काठमांडू के लिए जा रही उत्तर प्रदेश की एक बस नदी में गिर गई, जिससे बड़ा हादसा हो गया है। यह दुर्घटना नेपाल के तनहून जिले में हुई। शुरुआती जानकारी के अनुसार इस हादसे में कई लोगों की मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही उत्तर प्रदेश के राहत आयुक्त ने कहा कि इस मामले में राज्य के नागरिकों की संभावित संलिप्तता की जांच की जा रही है। नेपाल पुलिस ने पुष्टि की है कि एक भारतीय यात्री बस जिसमें 40 लोग सवार थे तनहून जिले में मार्शांगड़ी नदी में गिर गई। समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार इस दुर्घटना में कई लोगों के मारे जाने की आशंका है। जिला पुलिस कार्यालय तनहून के डीएसपी दीपक कुमार राय ने बताया, यूपीएफटी 7623 नंबर प्लेट वाली बस नदी में गिर गई और नदी के किनारे पर फंसी हुई है। उनके अनुसार यह बस पोखरा से काठमांडू जा रही थी।